गनियारी कला पंचायत में 72 लाख रुपए का मनरेगा योजना का राशि गबन करने के आरोप में ग्रामीण ने उपायुक्त को दिया आवेदन। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के गनियारी कला पंचायत में मनरेगा योजनाओं का धरातल पर बिना कार्य कराए ही मुखिया, वेंडर, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और बिचौलिए के माध्यम से गबन करने का आरोप लगाकर उपायुक्त को लिखित आवेदन सौंपा है। इस संबंध में ग्रामीण ग्यासुद्दीन अंसारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपने पंचायत में मनरेगा और पंचायत फंड से किए जा रहे विकास कार्यों की समुचित जानकारी प्रखंड कार्यालय से मांग किया था। सूचना के अधिकार के तहत मिले जानकारी के अनुसार उन्होंने सूचीवार मनरेगा से पथ मरम्मति, मिट्टी मोरम पथ निर्माण, पशु शेड निर्माण, बकरी शेड निर्माण, कुआं निर्माण, समतलीकरण, डोभा निर्माण सहित कुल 45 योजनाओं का उन्होंने धरातल पर स्वयं जांच किया। उन्होंने उपायुक्त को लिखे आवेदन के माध्यम से बताया कि धरातल पर जांच करने के क्रम में उक्त सभी योजनाओं में कार्य नहीं किया गया है। उक्त सभी योजनाओं में मात्र 5 से 10% ही कार्य हुआ है और सरकारी राशि का दुरुपयोग मुखिया, पंचायत सेवक, वेंडर, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, बीपीओ, बीडीओ की मिली भगत से निकासी कर पैसे का बंदर बांट कर लिया गया है। इसके बाद आवेदक ग्रामीण ने गत 23 मार्च को उपायुक्त को लिखित आवेदन देने के बाद उपायुक्त ने उक्त सभी गबन किए गए सभी 45 योजनाओं को जांच पड़ताल कर आगामी 10 अप्रैल तक उपायुक्त को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश लिखित दिया गया था, जिसमें उपायुक्त के द्वारा जांच टीम में SDM आलोक कुमार नगर उठारी, कार्यपालक दंडाधिकारी अशोक कुमार भारती व मनरेगा के सहायक अभियंता बिमल पांडे को नियमानुसार रैंडमली सभी योजनाओं को प्राकलन के अनुरूप जांच करने व रिपोर्ट सौंपने के लिए पत्र निर्गत किया गया था। वहीं बुधवार को पुनः आवेदक ग्रामीण ने उपायुक्त को लिखित आवेदन के माध्यम से यह बताया कि जांच टीम का पत्र वायरल होने के बाद वेंडर, मुखिया, रोजगार सेवक और सभी मनरेगा कर्मियों के इशारे पर बिचौलिए ने मनरेगा योजनाओं में JCB मशीन लगाकर जांच टीम के पहुंचने से पहले रात्रि में गबन किए गए योजनाओं पर कार्य कराने और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने विरोध करते हुए रोक लगाई है, जिसके बाद उन्होंने उपायुक्त को लिखित आवेदन सौंप कर गबन करने वाले वेंडर, मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और संलिप्त सभी मनरेगा कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। क्या आवेदन देने आए हैं? हम मनरेगा योजना कहाँ का? प्रखंड धुरकी, ग्राम पंचायत फाटपानी, गनियारी कला में 72 लाख योजना का घोटाला हुआ है। 72 लाख योजना या 72 लाख रुपए का? 72 लाख रुपए का 45 योजना। कौन योजना है? मनरेगा योजना। अच्छा, मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में 72 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। तो आप आवेदन दिए हैं इसके बारे में? हाँ, मैंने आवेदन DC साहब को 21 मार्च 2010 को दिया था। फिर उन्होंने टीम नियुक्त किया था 10 अप्रैल 2022 तक के जांच हो जाएगा। इसके बीच में ठेकेदार मकबूल अंसारी ट्रैक्टर और JCB मशीन द्वारा रात में 4 अप्रैल को 12 बजे रोड बना रहा था। अच्छा, उसमें ठेकेदार के अलावा और कौन लोग शामिल थे? और ठेकेदार के अलावा तो जो है मुखिया, उप मुखिया, मुखिया, वेंडर, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, सारे लोग इसमें शामिल थे। सारे लोग उसमें शामिल थे। आवेदन दे दिए आप? आवेदन हम आज फिर दे दिए। अच्छा, आज दोबारा आवेदन किस लिए दिए? आवेदन इसलिए दिया कि जो है 4 अप्रैल 2010 को रात 12 बजे ठेकेदार मकबूल अंसारी जो है ट्रैक्टर और JCB मशीन द्वारा योजना नंबर, अच्छा उसमें लिखा हुआ है आवेदन में आपका, कहाँ है आवेदन दिखाइए? ये योजना नंबर, ये। अच्छा अच्छा, पेज पलट के दिखाइए। अच्छा, दिखाइए। सब DC को दे दिए हैं आवेदन आप? वो एक और कहाँ? चलिए, अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ग्यासुद्दीन अंसारी। कहाँ घर है आपका? ग्राम फाटपानी। अच्छा, आवेदन दे चुके हैं? आवेदन दे चुके हैं।